कि अक्सर आप भी रात को 3 बजे उठकर बैठ जाते हैं और नींद आने का इंतजार करते हैं। ऐसा कभी ना कभी हर किसी की लाइफ में जरूर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता, स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के इस वीडियो में। अक्सर लोगों की नींद रात के 3 बजे खुल जाती है और अक्सर फिर लोग नींद आने का इंतजार करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी नींद नहीं आती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए बताते हैं आपको आज के इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों की नींद रात में अचानक खुल जाती है। कभी कभार ये घबराहट या ज्यादा तनाव के कारण भी होता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये एक गंभीर सिचुएशन हो सकती है। माना जाता है कि रात में बार बार यूं नींद खुलना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ऐसा होना इस बात को दर्शाता है कि आत्माएं आपसे संपर्क में आने की कोशिश कर रही हैं और आपको कुछ बताना चाहती हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि बात आपकी जान पर भी बल सकती है। हालांकि अलग अलग समय पर नींद खुलने का अलग अलग मतलब होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि रात में किस वक्त नींद खुलना किस बात का संकेत देता है। रात 9 बजे से 11 बजे के बीच नींद का टूटना। यदि आपकी नींद रोज रात को 9 से 11 बजे के बीच खुल जाती है और लाख कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आती है, तो वह व्यक्ति किसी बात को लेकर अधिक चिंतित है और वह उस मसले पर जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। इसलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें, इस क्रिया को नियमित करें। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आप एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। रात 11 बजे से 1 बजे के बीच नींद का टूटना। यदि आप रात में 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते सोते उठ जाते हैं, तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप जितना हो सके खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नेगेटिव चीजों को निकाल दें। ये समस्याएं आपके पित्ताशय को प्रभावित कर सकती हैं। रात 12 बजे से 2 बजे के बीच नींद का टूटना। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। लेकिन इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि संपर्क करने वाली अनजान शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक, इस बात का पता नहीं चलता। रात 1 बजे से 3 बजे के बीच नींद का टूटना। रात्रि 1 से 3 बजे के बीच अचानक आंख खुले, तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पिए और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। रात को 3 बजे नींद का टूटना। यदि आपकी नींद 3 बजे के करीब अचानक रोज खुलती है, तो इसका मतलब ये है कि सृष्टि व दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठे, अपने इष्ट देव की आराधना करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं, जो कि आपको मिलनी है। रात को 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नींद का टूटना। रात 3 बजे से 5 बजे के बीच जिन लोगों की नींद खुलती है, तो इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपके संपर्क करने की और आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है। यदि आप सुबह 5 से 7 बजे के बीच जागते हैं, तो कोई चीज आपको भावनात्मक रूप से रोकती है। इस दौरान जागने वाले लोग इमोशनली बहुत कमजोर माने जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको ध्यान क्रिया करनी चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा लगातार हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई शक्ति ही आपको संपर्क करना चाहती है, ये कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है। इसलिए आपको अपने डॉक्टर से भी इस चीज के लिए संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये खास वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।